नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन। जैसा आपको दिखाई है साइड में, आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन। आज हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशंस की, इसके अंदर क्या कौन सी बेसिक डेफिनेशंस यूज़ होती हैं। अगला भी जो वीडियो होगा वो भी इसी के ऊपर है, ये पार्ट वन है, अगला पार्ट टू होगा, उसके अंदर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। जैसा आपको पता है रेफ्रिजरेशन बेसिकली एप्लीकेशन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये एप्लीकेशन है और ये क्लॉसियस स्टेटमेंट पर बेस है। जो मोटा मोटा है क्लॉसियस स्टेटमेंट, काफी लंबा है, जो मोटा मोटा है वो बता देता हूँ कि आपके पास एक दो रिजर्वायर है, एक है T2 टेम्परेचर पे लोअर टेम्परेचर, एक है T1 टेम्परेचर हायर टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, विदाउट हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल वर्क, यानी आपको कोई एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। यानी कि T2 से T1 पर हीट ट्रांसफर स्पॉन्टेनियस हीट ट्रांसफर नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा। यू हैव टू प्रोवाइड वर्क। और ये वर्क दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, यहाँ कंटिन्यू करना है इसका, वर्क कुड बी कंप्रेसर पंप एक्सेट्रा, काफ़ी और भी होता है। तो देखा हमने कि ये जो एप्लीकेशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है, क्लॉसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर जो है अपने आप ही ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसके लिए हमें एक्सटर्नली कोई वर्क देना पड़ता है। जो ये पूरी डिवाइस है इसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। सेम यही प्रिंसिपल है और कुछ नहीं है। आई होप आपको समझ में आया। अगर आप कोई भी समस्या हो तो कृपया कमेंट कर दें, आगे से और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं बेसिक डेफिनेशन क्या है। रेफ्रिजरेशन रिफर्स टू यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस। जैसे बताया था कि आपको एक्सटर्नल वर्क देना पड़ता है, आपको एक्सटर्नल वर्क देना पड़ता है। मैकेनिकल डिवाइसेस फॉर प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर, इन अ रीजन लेस देन दैट ऑफ सराउंडिंग। इसका मतलब है कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप हैं, मैं ही हूँ बड़ा सा, मेरा दोस्त, मेरी फैमिली, हम बाहर से आए। बाहर आपको पता ही है गर्मी का मौसम है, 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, हमें गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है बाहर। तो हम अपने घर पे गए और हमने एसी चालू कर दिया। एयर कंडीशनिंग इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। हमने अपने जो कमरा है उसको 26 डिग्री पे सेट कर दिया, 40 से 26 डिग्री। बाहर का टेम्परेचर यानी T2, जो T1 है हायर टेम्परेचर है 40, T2 है 26। तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा जिसको आप जानते हैं कंप्रेसर, उसके अंदर लगा रहता है। यहाँ हमने वर्क दिया रेफ्रिजरेटर, इसके अंदर फ्लो हो रहा है, यहाँ से ये हीट लेगा, यहाँ से
यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ से ये हीट लेगा, कोल्ड, ये कोल्ड एयर है, और ये हॉट एयर। तो जो ये एयर कंडीशनिंग प्रोसेस कर रहा है, तो एयर कंडीशनिंग क्या प्रोसेस कर रहा है इस समय? आप बाहर से आए, मैं बाहर से आया 40 डिग्री टेम्परेचर, अंदर गया कमरे में, हमें चाहिए था, हमें ठंडक चाहिए थी, हमने 26 डिग्री टेम्परेचर पे सेट कर दिया। तो क्या कर रहा है ये? अभी हमने जो डेफिनेशन देखी है, रेफ्रिजरेशन रिफर्स टू द यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइस, कंप्रेसर था, सॉरी कंप्रेसर था उसके अंदर, फॉर प्रोड्यूसिंग 40 से 26 डिग्री कर दिया, एंड मेंटेनिंग, यानी वो 26 डिग्री मेंटेन भी कर रहा है द टेम्परेचर इन अ रीजन, वो कमरा छोटा सा आपको दिखा ही होगा, लेस देन दैट ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 40 डिग्री, यानी वो एसी कर क्या रहा है? वो इसी मैकेनिकल वर्क, जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे वर्क ले रहा है, और जो टेम्परेचर है वो कम कर रहा है उस रीजन का वाया रेफ्रिजरेट, वाया रेफ्रिजरेंट, आगे पढ़ेंगे रेफ्रिजरेंट के बारे में, वाया रेफ्रिजरेंट उसको, वो जो कमरा है उसको ठंडा कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते। इक्विपमेंट यूज फॉर रिमूविंग हीट कंटिन्यूसली फॉर मेंटेनिंग लो टेम्परेचर इन अ स्पेस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। ये फ्रिज के बारे में बात हो रही है, जो आप देखते होंगे अपने रूम या अपने घर में, बहुत कॉमन एप्लीकेशन है। उसके अंदर रेफ्रिजरेटर है, वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, जब आप उसके अंदर कोई सब्जी वगैरह डालते हैं तो वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। द साइकिल ऑन विच इट वर्क्स इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिस साइकिल पर वो काम करता है, क्योंकि आपको हर एक साइकिलिक डिवाइस के लिए कोई साइकिल चाहिए होती है। इसकी मेन साइकिल होती है, मान लीजिए कार्नोट साइकिल, रिवर्सेबल रिवर्स कार्नोट साइकिल, प्रीटॉन साइकिल, VCRS, VARS, एक्सेट्रा, इसके बारे में आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि जितनी अमाउंट की ऑफ हीट उस रेफ्रिजरेंट ने एक्सट्रैक्ट की है फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर स्पेस, रेफ्रिजरेटर के द्वारा जितनी भी रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट ली गई है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। द हायर कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर मीन्स हायर शैल बी द रेफ्रिजरेशन, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उसको उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। आपने ओवन देखा होगा 1.5 टन, 2 टन, ये कैपेसिटी बताता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैपेसिटी बताता है किसी भी रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट की, रेफ्रिजरेटर की कितने टन का है। ये एसी में बहुत कॉमन होता है। अब जब रेफ्रिजरेशन ह्यूमन कंफर्ट के लिए यूज होता है, ह्यूमन कंफर्ट के लिए, उसको एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं जो एयर कंडीशन में देखे जाते हैं, टेम्परेचर, क्वालिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी, तीसरा है वेंटिलेशन। तीन चीज़ें हैं जो देखे जाते हैं एयर कंडीशनिंग के अंदर। रेफ्रिजरेशन में सीधा आपका टेम्परेचर देखा जाता है और कुछ नहीं, यही मेन डिफरेंस है। क्योंकि एयर कंडीशनिंग ह्यूमन कंफर्ट के लिए होती है, तो उसके अंदर हम ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से चीज़ें देखते हैं।
व्हेन रेफ्रिजरेशन, ये पॉइंट कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है। व्हेन रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड्स टेम्परेचर बिलो देन 150 डिग्री माइनस, देन इट इज नोन एज क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक जब होता है, जो ये किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्रायोजेनिक की लिमिट बताइए, तो इसलिए डाला। ये लिक्विफिकेशन के लिए यूज होता है किसी, ये एप्लीकेशन है रेफ्रिजरेशन का। रेफ्रिजरेशन इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर इंक्रीजिंग द स्टोरेज लाइफ ऑफ परमिशेबल आइटम्स स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स मिल्क आइसक्रीम फॉर्मेशन एक्सेट्रा। इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी यूज होता है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। इट इज़ बेसिकली एन एप्लीकेशन। डिफरेंट मैथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आप किस किस तरीके से रेफ्रिजरेशन करते हैं। रेफ्रिजरेशन बाई इवेपोरेशन, इट कैन बी रियलाइज बाई इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विच इज प्रोवाइडेड बाई द सराउंडिंग ऑफ रीजन वेयर लिक्विड इज बींग इवेपोरेटेड, दिस कॉज द कूलिंग ऑफ रीजन सप्लाइंग लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। इसका मैंने एग्जाम्पल आपको शुरुआत में दिया था जब हमने ए सी का एग्जाम्पल लिया था, दोबारा देख लेते हैं। जैसे थे हम यहाँ 40 डिग्री, ये 26 डिग्री है, बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री। अब ये क्या करेगा, इस कमरे को कैसे ठंडा करेगा। इसके अंदर एक्चुअली रेफ्रिजरेंट भरा होता है और रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में सेंड होता जाता है। इवेपोरेटर के अंदर वो लेटेंट हीट ले लेता है इवेपोरेशन की, यानी कि लेटेंट हीट को आपको पता ही होगा फॉर्म चेंज हो जाता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉरी सॉलिड और लिक्विड टू, यस। ऐसा नहीं है कि ये केवल लेटेंट हीट ही लेते हैं, ये सेंसिबल हीट भी लेते हैं। पहले सेंसिबल हीट पे पहुंचते हैं, उसके बाद लेटेंट हीट लेते हैं। एयर के केस में जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे सेंसिबल हीट भी होती है क्योंकि वो ऑलरेडी वेपराइज फॉर्म है, तो वो लेटेंट हीट नहीं ले सकते, इसलिए सेंसिबल हीट ही यूज़ होती है। दैट्स वाई एयर कमर्शियली कम ही यूज़ होती है, इसी वजह से कि हमें ज़्यादा बड़े कंप्रेसर लगाने होंगे एयर को फ्लो कराने के लिए, विच इंक्रीज द कॉस्ट। बट प्लेन में आप सेफ्टी के लिए इसको ही ले जाते हैं, सेफ होता है, फ्लेमेबल नहीं है, एक अवेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा बहुत ज़्यादा, तीसरा जब आप कोई लिक्विड रेफ्रिजरेंट साथ में ले जाएंगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा। बट एयर के केस में ऐसा नहीं है, एयर के केस में ऐसा नहीं है, वेट नहीं बढ़ता, यही इसका सबसे बड़ा एक पॉजिटिव। इसका वेट इंक्रीज नहीं होता, इसका एक और एग्जाम्पल है स्वीटिंग फ्रॉम ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन स्वीटिंग। रेफ्रिजरेशन बाय आइस, ये ज़्यादा यूज नहीं होता, ये रिमोट एरियाज में ज़्यादा यूज होता है, दूर दराज के एरियाज में, वहाँ एक इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर आइस को रख देते हैं, फिर हवा को पास कराया जाता है और उस हवा को वाया डक्ट्स जहाँ आपको रेफ्रिजरेशन चाहिए वहाँ वायर डक्ट्स उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और एक
लेस देन सराउंडिंग एक अच्छा सा इन्वायरमेंट हो जाता है। रिमोट एरियाज में ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है। रेफ्रिजरेशन बाई एक्सपेंशन ऑफ एयर, इसमें एक्सपेंशन ऑफ एयर आपको पता ही होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। देखते हैं इसको, डिस्कस करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ एयर में एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। एडियाबेटिक आपको पता ही होगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी यू डी डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ लगा दिया। एडियाबेटिक इक्वेशन आपको पता ही है, डी क्यू इज इक्वल टू जीरो फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस। जब डी क्यू, यहाँ से अगर हमने देखा डी क्यू इज इक्वल टू जीरो तो ये हो गया जीरो, डी डब्ल्यू की वैल्यू हो गई माइनस डी यू। आपको पता ही है डी डब्ल्यू एम सी वी डी टू माइनस जीरो, यानी कि एड इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद ही किसी पीएसयू में आया भी था। एडियाबेटिक एक्सपेंशन वर्क इज डन, सॉरी यहाँ आ गया, यानी एडियाबेटिक एक्सपेंशन वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा और वही हम जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है उसको यूज़ करते हैं अपने रेफ्रिजरेशन के लिए। ये ज़्यादातर यूज़ होता है ब्रेटन साइकिल के अंदर, आगे हम उसके पढ़ने वाले हैं। ब्रेटन साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है, एयरक्राफ्ट में काफ़ी यूज़ होती है। रेफ्रिजरेशन बाय थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग आपको पता ही होगा। थ्रॉटलिंग ऑफ अ सर्टेन गैस शोज द रिडक्शन इन टेम्परेचर ऑफ गैस आफ्टर थ्रॉटलिंग इज एविडेंट बाय जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू, विच शोज वेदर द थ्रॉटलिंग इज अकॉम्पेंड बाय कूलिंग और हीटिंग ऑफ अ गैस। इट रिफर्स टू द पैसेज ऑफ फ्लूइड थ्रू रिस्ट्रिक्टेड पाथ। इसके अंदर एक चीज़ होती है कि जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती है और डी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि एच वन इज इक्वल टू एच टू। जब हम गैस को किसी रिस्ट्रिक्टेड पाथ से पास कराते हैं तो ये देखना होता है किसी भी फ्लूइड को कि उसका जो हीट है वो बढ़ेगी या घटेगी। ये हम देखते हैं गैसेस में जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वजह से। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू डेल टी ओवर डेल पी, एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर म्यू इज ग्रेटर देन जीरो है तो कूलिंग होगी, म्यू जीरो है नो चेंज इन इफेक्ट, नो चेंज इन टेम्परेचर, और म्यू लेस देन जीरो है इसका मतलब है हीटिंग इफेक्ट होगा। हमारे काम का है ये म्यू इज इक्वल टू जीरो। ये वीसीआरएस में बहुत यूज होता है, वीसीआरएस वीएआरएस, और म्यू इज इक्वल टू जीरो आइडल गैस के लिए होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
रेफ्रिजरेशन बाय ड्राई आइस, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में इसका काफ़ी यूज़ होता है, रेफ्रिजरेशन बाय लिक्विड गैसेस, NO2, N2, CO2 गैसेस को यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए, ज़्यादा यूज़ नहीं है। वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेस्ड ऑन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए डिटेल में बात करेंगे।